यस बेटा, टुडे इज आवर टॉपिक इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSNN। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और वी कैन से दिव्यांग। बेटा एजुकेशन इज मेंट फॉर all, which means that all students are equal, participating in the learning process for those students with special needs. Some person, those who needs special needs for their learning skills, for their any routine activities, ठीक है, we call them the children with special needs, divyang, they have some disabilities or disorder, ठीक है, तो उनको उनके लिए भी education, sports, competitions, ये सारी चीजें हम according to the need and limitation of that particular children, उसी के उस बेस पे हम रूल्स बनाते हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। उन बच्चों को भी उतना ही राइट्स हैं जितना बाकी बच्चे अपने प्लेफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, कोई कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसी बेस पे ही आपको सारा चैप्टर में दिया है कि हाउ वी हैव टू टैकल देम। मैनी स्टूडेंट्स बेटा विद डिसेबिलिटीज कैन सेफली एंड सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड इन जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम विद और विदाउट एकोमोडेशन एंड स्पोर्ट्स। दीज चिल्ड्रन कैन यू कैन से बेनिफिट फ्रॉम स्पेशली डिजाइन अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो वट इज द मेन मोटिव? द मेन मोटिव इज टू गिव अस सच ए इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक सच ए रूल्स दैट दे कैन पार्टिसिपेट इजली इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उसी बेस पे बेटा डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम करवाते हैं, ठीक है, यू हैव सीन द डिफरेंट टूर्नामेंट इन इंटरनेशनल लेवल, यू हैव सीन द पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट, दीज आर फॉर दोज पर्सन, दोज हु नीड मोर अटेंशन, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अर्लियर व्हाट हैपन बेटा, इन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देर इज लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, ठीक है, जितने भी वॉर में पार्टिसिपेट जिन्होंने भी किया उनमें इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, ठीक है, किसी के लिम इम्पेयरमेंट हो गया, डिसेबिलिटीज हो गई हैं। तो व्हाट हैपन, डिफरेंट पीपल दे थिंक अबाउट दैट कि पीपल्स दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए वेयर दे कैन कलेक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड एक कॉम्पिटिशन आपका इवेंट टाइप भी हो जाएगा। सो दैट मोस्टली व्हाट हैपन, जिन लोगों का, ठीक है, जिन वॉर में किसी का कोई लिम चला गया है, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटीज हो गई हैं, जो बेड रिटन हो गए हैं, ठीक है, जो आपका कोई काम नहीं कर सकते अपने आप विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर, तो व्हाट प्लेटफॉर्म, दे इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म लाइक दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। डिफरेंट पीपल इंडल्ज इन दिस पर्टिकुलर वर्क और उन्होंने इस पे स्टडी करके आपका एक प्रोग्राम बनाया कि हम एक पैरा ओलंपिक्स जस्ट लाइक अदर ओलंपिक्स दोज हु आर पार्टिसिपेटेड, दीज डिसेबल पर्सन, डिसऑर्डर पर्सन्स, दे मे बी दे विल आल्सो पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज। तो उसी के लिए एक इसमें सब्जेक्ट बेटा आपका है एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, वो इंट्रोड्यूस किया है एडेप्टेड फिजिकल, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इट इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
विच अडोप्टेड और मॉडिफाइड फॉर द पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड. सिंपल है, जो डिफरेंटली एबल्ड, हैंडीकैप, यू कैन से मेंटली चैलेंज, ब्लाइंड एटसेट्रा, ये उनको ध्यान में रखते हुए एक आपने एक फॉर्म किया अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. जैसे ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, यू हैव सीन नाउ इन ईच एंड एवरी स्टेट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल दे आर कंडक्टेड द डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑफ दिस बेस ऑन द पैरा ओलंपिक. नाउ यू हैव सीन द मैनी एथलीट ऑफ आर कंट्री, दे गॉट द डिफरेंट मेडल इन डिफरेंट कैटेगरीज गेम वाइज. यू हैव सीन द डिफरेंट इक्विपमेंट फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज. आपने देखा होगा व्हील चेयर पे वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपका लॉन टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है. देन देर इज अ आर्टिफिशियल लेग्स हैं, उसके साथ रनिंग कर रहे हैं. तो देर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस रिगार्डिंग दिस द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. जो हमारा अडेप्टिव मेन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन दिस. द पर्सन द पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, हैंडीकैप, ब्लाइंड, व्हाट सो मी विद द रीजन डिसऑर्डर, दे कैन अडॉप्ट फिजिकल एजुकेशन. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम फॉर फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस, एक्वेटिक स्किल्स, डांस स्किल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप. तो इन द बट इन नटसल की वी इन्वॉल्व दैट पर्टिकुलर पर्सन, दोज अर्लियर दे आर इग्नोर्ड बाय ईच एंड एवरी सोसाइटीज, ठीक है. उनको कोई केयर नहीं करता था, कोई उनको पूछता नहीं था. नाउ व्हाट हैपन, नाउ देयर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट. यू कैन प्ले, यू कैन enjoy, you can share your emotions, ठीक है. तो while you are playing any sports and any games, what happened? You have visited different places. You come to know the environment, culture of that particular city, state, and one should be a गुड सोशली, जिसको हम बोलते हैं ना सोशल एडजस्टमेंट करना, वो बच्चा सीखता है. तो दिस इज इट इज अ डाइवर्सिफाई प्रोग्राम, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, गेम एंड स्पोर्ट्स दैट इज सूटेड टू इंटरेस्ट, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद अ डिसेबिलिटीज, ठीक है. ये क्या है, एक एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है दैट इज सूटेड एंड इंटरेस्टेड और जो कैपेसिटी एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन वो उनके इंटरेस्ट पे बेस होता है. उनकी जो लिमिटेशन है उसको रखा जाता है, उसी के अनुसार उसके ग्राउंड्स के डायमेंशन बनती है बेटा, इक्विपमेंट भी उसी हिसाब से बनता है, रूल एंड रेगुलेशन, ईच एंड एवरी थिंग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज. अब उसके लिए उनका मेन क्या, इसका एम क्या था हमारा अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन का, द एम ऑफ अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स रिगार्डलेस of their disabilities, opportunities to participate in physical activities, sports and games, or mainly क्या है, safely and successfully. Safety is the priority. We have to make a rule, we have to frame the rule according to the safety and successfully in the इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट जो हमने देना है, सो दैट वी कैन अचीव बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है, सोशल है, फिजिकल ग्रोथ है, उसको भी हम इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं.
तो दैट दिस इज द मेन एम. मेन एम हमारा क्या है? अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर अ पर्सन दोज हु आर डिसेबल्ड. फिर हमारा इसका मेन एम क्या था? द मेन एम हमारा उनका है कि हमने अपना जो प्रोग्राम है, जो एजुकेशन है, वो टोटली उनके बेस पे, उनकी नीड्स पे, उनके इंटरेस्ट पे हमने बनानी है. ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें कर दी है. अब आपका मेन क्या है? आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बता दो. एम तो हमारा हो गया, हमने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने चिल्ड्रंस को जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनको नॉलेज के हिसाब से एनवायरनमेंट रूल सारे फ्रेम कर लिए. देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स? अब जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है इसका, दैट इज टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल प्रोग्राम. मेन क्या है हमारा? जितने भी आपके एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें उनकी पार्टिसिपेशन करवानी है. जितनी भी आपने फिजिकल एक्टिविटीज करानी है, मेन आपका फिजिकल एक्टिविटीज, उसका सबसे मेन आपका क्या है? सेफ, सेफली. या आप सेफ्टी जो आपका मेन चीज है, ठीक है, दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ एनी एक्टिविटीज. सेफ्टी आपने सबसे पहले रखनी है, बिकॉज डिसेबल्ड पर्सन्स, ऑलरेडी डिसेबल्ड पर्सन्स या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनकी उनका फिजिकल, मेंटली, ठीक है, साइकोलॉजिकली चीजों को नजर में रखते हुए वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव देम अ प्रायोरिटी ऑफ द सेफ्टी. ठीक है, सबसे पहले उनके जितनी भी एक्टिविटीज हो गई हैं उसमें उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमको सारी चीजें करनी होती है. देन मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? सेफ्टी प्रोवाइड करके फिजिकल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करना है. देन नेक्स्ट इज व्हाट हैपन, ऑब्जेक्टिव मेन हमारा क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मेन चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब पहली बार कोई भी बच्चे एक्टिविटीज में, फिजिकल में पार्टिसिपेट करेगा, वो डरेगा, ठीक है, उसको उतना हौसला नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. बट लिटिल बिट आप अगर उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जब वो किसी एक्टिविटी में पार्ट करेगा, नो डाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका इंप्रूव होगा. ठीक है, तो वो मेन आपका प्रायोरिटी होती है. देन मोराल, बूस्ट देयर मोराल. आप उसको अगर किसी एक्टिविटी को करने से पहले उसको मेंटली, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, उसको बूस्टअप करोगे तो उसका मोराल हाई होगा. किसी भी काम को फर्स्ट करने के लिए बेटा, उसकी प्रिपरेशन के लिए उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. ठीक है, उसको बूस्टअप करना बहुत जरूरी है. इफ यू बूस्ट देम प्रॉपरली, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव. उससे क्या होगा? उसका मोराल बहुत हाई होगा. फिर सोशल स्किल्स, जितनी भी आपकी सोशल स्किल्स होती हैं, एज यू नो मैन इज अ सोशल एनिमल. ठीक है, तो वन शुड बी सोशली एडजस्टेबल. अगर आपने कोई भी एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, सबके साथ आपने रहना है, उठना बैठना है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी आनी बहुत जरूरी है. अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खेलते हो, कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए आपको सोशली एडजस्टमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आप सोशली आपकी एडजस्टमेंट नहीं होती है तो यू कांट प्ले एनी टीम गेम्स. देन एक्टिव पार्टिसिपेशन, वन शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेट. ये नहीं कि आपने उसको आज मोटिवेट कर दिया, आज खेल लिया. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेगुलर एक्टिवली उसको इन्वॉल्व करना है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में.
ठीक है। इसके लिए आपको सबसे मेन फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप दैट इज एनवायरमेंट। यू हैव टू गिव अस सच एनवायरमेंट दैट इज कंड्यूसिव फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर्स, ठीक है। उनके लिए आपको वैसा ही एनवायरमेंट अपना बनाना होगा जिसमें वो कंफर्टेबल रह सके, ठीक है। उनके कंफर्ट जोन को भी आपने ध्यान में रखते हुए अपना एनवायरमेंट उनको ऐसा ही देना। देन नेक्स्ट इज योर स्पोर्ट्समैनशिप, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। दिस इज नॉट कि ऑलवेज यू गो एंड वॉन, आप गोल्ड मेडल ही लेके आओ। समटाइम व्हाट हैपन, हम बोलते हैं ना, हारना जीतना इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉम्पिटिशन, बट स्पोर्ट्समैनशिप शुड बी देयर। देन नेक्स्ट मॉडिफाइड रूल्स, जितने भी आपके रूल्स होते हैं गेम के, ठीक है, वो सारे मॉडिफाई होने चाहिए। दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू द दैट पर्सन, जितने भी रूल है वो सारे हम मॉडिफाई कर देते हैं। फिर देन इक्विपमेंट्स, रूल के साथ जो आपके इक्विपमेंट्स हैं दैट इज ऑल्सो देयर, बिकॉज इन ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स यू हैव टू मेक अ डिफरेंट इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। देन आपका लास्ट में आ जाता है मेडिकल स्टाफ सुपरविजन, ठीक है। मेडिकल स्टाफ सुपरविजन मीन्स आपका मेडिकल से रिलेटेड ईच एंड एवरी थिंग शुड बी अपडेट ओवर देयर, एंड मेडिकल चेकअप ऑल्सो इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। बिफोर यू स्टार्ट एनी फिजिकल एक्टिविटीज वन शुड बी ए मेडिकली चेकअप, एंड देर शुड बी एनफ अरेंजमेंट फॉर मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। दीज आर द सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडप्टेड फिजिकल एजुकेशन। अब हमने ये किया, ये सारी चीजें हमने देख ली है, फिजिकल एजुकेशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उसको हमने उनके सारी उनकी नीड्स, उनका सर्कमस्टांस, ईच एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग अप टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। जो डिसेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने गेम रूल, एम हमारा हो गया, ऑब्जेक्टिव मेन हमारे हो गए, सेफ्टी प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, उससे फिर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेगुलर एक्टिव एक्सरसाइज, सोशली स्किल, रूल्स मॉडिफाइड हो गए, देन एनवायरमेंट आपने उसको कंड्यूसिव देना है। अब आपका नेक्स्ट क्या हो गया कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर इन, दोज हु आर प्रमोटिंग एडप्टेड स्पोर्ट्स, कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में है, आपके स्टेट में है, सिटी में है, और डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल लेवल पे दे आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन दोज हु आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट कैंप्स, कॉम्पिटिशंस, ट्रेनिंग सेशंस, देर इज अ स्पेशल कोचिज फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट्स, ठीक है। कोचिज भी ऐसे होते हैं जो उनको अंडरस्टैंड कर सके, उनकी फीलिंग्स को, ठीक है, उनके इमोशंस को, तभी आप कोचिंग कर सकते हो ना। गिविंग कोचिंग टू अ नॉर्मल पर्सन और डिसेबल पर्सन उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। अगर आप किसी नॉर्मल बच्चे को आप कोचिंग दे रहे हो, आप उसको एक बार बोलेंगे ही और शी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, बट फॉर द पीपल डिसेबल पर्सन आपको उनके लिए कोचिंग देने के लिए, सिखाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। आपको एक चीज को 10 बार बोलना पड़ेगा, 10 बार बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो डिफरेंट एजेंसियाज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोज हु आर प्रमोटिंग फिजिकल एजुकेशन, दैट इज वन ऑफ द मेन इन इंडिया, दैट इज स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, एसओबी, स्पेशल
ओलंपिक भारत, इट इज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन दैट प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड कंडक्ट स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम थ्रू आउट इंडिया. जितने भी आपके इंडिया में स्टेट्स हैं वहां पे वो डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स. अर्लियर बेटा वी इट इज स्टार्टेड ऑलमोस्ट इन 1987 ओलंपिक इंडिया, देन इट इज इन 2001 इट्स नेम वाज चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत. ठीक है, पहले इसको हम ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक इंडिया बोलते थे, अब हमने इसको स्पेशल ओलंपिक भारत का नाम दे दिया. व्हाट इज द मिशन ऑफ दिस? नेचुरली मिशन इज टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कंपटीशन टू द चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो मेन इनका जो एम क्या है, जो मेन इनका मिशन है, उनको आपने इन्वॉल्व करना है स्पोर्ट्स में, ट्रेनिंग में, डिफरेंट एक्टिविटीज में. दिस इज बेटा ओनली वन प्लेटफॉर्म. ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे किसी भी बच्चे में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है, चेंजेस बहुत ज्यादा आती है. ठीक है, आप किसी भी बच्चे को अगर फिजिकल एक्टिविटी कराते हो तो इसका क्या होता है, जितने इंटेलेक्चुअल है डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, दे हैव अ वेरी गुड इंपैक्ट ऑन देयर लाइफ फिजिकली और मेंटली आल्सो. ठीक है, जो बच्चा कभी कहीं किसी को मिलता नहीं या बैठता नहीं था किसी के साथ, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करेगा तो नेचुरली देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस. और वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि बच्चा कहीं पे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है तो उसको क्या होता है, अदरवाइज कोई नहीं पूछता होता है. बट नाउअडेज जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनके लिए जब से ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ है तो एक पीपल में भी एक अवेयरनेस लोगों में आ गई है कि नहीं, ये बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, आप देखते रहते हैं उनको, देख के और साइकोलॉजिकली टेंशन, ठीक है, पेरेंट्स को भी हो जाती है बच्चे को देख के. बट जब वही बच्चा किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे जाता है और अपने डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, नेशन का नाम रोशन करता है, ठीक है, बाय गेटिंग द प्राइज, तो वही फिर क्या होता है, सारा घर का एटमोसफेयर चेंज हो जाता है उस फैमिली का. यू हैव सीन सो मेनी किड्स लाइक दैट, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. उन्होंने इंडिया का नेम वर्ल्ड पैरालंपिक गेम में कितना रोशन किया है. तो उससे आप ये देखो ना, एक बच्चा, वही बच्चा अगर घर पे बैठा, सब उसको देख रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, और वही बच्चा अगर स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करने के बाद मेडल ले रहा है, तो कहाँ पे घर पे भी उसका भी कॉन्फिडेंस, घर का एटमोसफेयर, सारा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है. जब मीडिया, प्रेस, लोग उस बच्चे के बारे में हाईलाइट्स करते हैं, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, तो दीज आर द डिफरेंट एजेंसीज जो, जिनका मेन पर्पज ये है, इनका मिशन ये है कि प्रोवाइड द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन फॉर द चिल्ड्रन विद दिस डिसेबिलिटीज. इसी में एक नेक्स्ट आपका बेटा पैरा ओलंपिक्स है, दैट इज द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज. ठीक है, जो हमारा इंडिया से रिलेटेड है, दैट इज अ स्पेशल ओलंपिक भारत, जो हम इंडिया में कंडक्ट करते हैं डिफरेंट इवेंट्स. उसके बाद आपका आ जाता है पैरा ओलंपिक्स, दैट इज अ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल, ये वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन होता है. And this is conducted by International Paralympic Committees in different categories, that is physical, visual, intellectual impairment,
ठीक है, दैट में भी है डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, उसमें कैटेगराइज होती हैं डिसेबिलिटीज का क्या लेवल है, मसल्स पावर, सम हैव अ डिफरेंट लिम्स, ठीक है, लिम्ब की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, शॉर्ट होती है, विजन विजन इंपेयरमेंट ऑल्सो देयर बेटा, ब्लाइंड कैटेगरीज ऑल्सो देयर, देर आर मैनी कैटेगरीज, ठीक है, जिसमें आपका मसल से रिलेटेड है, लिम्ब से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, इम्पेयरमेंट ऑफ मसल्स पावर ऑल्सो देयर, वो सारे जितना विजन इम्पेयरमेंट है, इसमें आपका बेटा डीफ ओलंपिक्स भी होती है, दैट इज इंटरनेशनल कमेटी। आपको पता है सम साउंड से रिलेटेड उनको जो होता है ना, कोई ब्लाइंड होगा, कोई डीफ होगा, उनके लिए सारी एक्टिविटीज बनी है, दैट इज रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन्स।